नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपी अपडेटेड टेस्ट चल रहे हैं। लगातार अपडेटेड वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। आज है 21 अगस्त, तो एग्जाम सेंटर से अब बच्चों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा रहा है। तो आप लोगों के लिए जो 11 बजे से ही वीडियो आना शुरू हो जाती हैं, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आज के जो बच्चे हैं, दो बच्चे जो आए हैं बाहर फेल होकर के, अब ऐसा नहीं है, हर बंदे का अलग अलग कहना होता है। उनका तो सिर्फ आपको एक्सेप्टेशन इस प्रकार का लेना है कि क्या क्या करवाया जा रहा है, ना कि इस प्रकार का कि क्या नहीं करवाया, क्या करवाया। ओके, तो आप सभी से यही निवेदन है कि प्रत्येक वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमारी यूनियन से जुड़िएगा और आगे इसको बढ़ाइएगा। इसको हम सभी लोग इकट्ठा करते हैं और कोई ना कोई अच्छे से बड़े स्तर पर कोई ना कोई काम जरूर करेंगे। यदि ऐसा हो रहा है कुछ लेने देने का, तो हम इस पर कार्यवाही जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि अधिकारियों तक ये बात पहुंच जाए किस प्रकार से ये काम करवा रहे हैं। ओके, तो आरपीएफ टेस्ट में होने वाली धांधली बढ़ती जा रही है, ऐसा बच्चों का कहना है। और आज भी बच्चे जो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ चुके हैं, उनके बुरे मुंह से सुनिएगा किस प्रकार से क्या हो रहा है। और एक विशेष सूचना, ग्रुप डी वालों के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जो ट्रेड टेस्ट में ग्रुप डी है उसमें आ चुके हैं। और आरपीएफ ट्रेड टेस्ट का नीचे जो मैंने चैनल क्रिएट किया है, जिस पर जितने भी हमारे बंदे हैं आरपीएफ के, उन सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे उन सभी को सपोर्ट करेगा जिन लोगों का यदि फेल हो गया है, तो हम एक यूनियन तैयार कर रहे हैं, जिससे हम यदि 1000 के समथिंग बच्चे हो जाते हैं तो उस पर साइन करके हम जो है ज्ञापन दे सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों को, जो जितने भी बच्चे हैं, नीचे वाला चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना और अपना नंबर ज़रूर सेंड कर देना, क्योंकि कोई भी अपडेट होगा तो उसी की कम्युनिटी में हम डालेंगे। ओके, और आप सभी को इनका अभी पूरा ध्यान से सुनना है किस प्रकार से क्या हो रहा है। हाँ नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। जी सर, मैं अभिषेक शर्मा देहरादून से आया था, दिल्ली या बस्ती में मेरा हुआ था ट्रेड टेस्ट। सर आज किस दिनांक में था सर आपका ट्रेड टेस्ट? मेरा आज 19 तारीख को था सर। अभी कहाँ सर? 8 बैंच था सर। कब था सर आपका? कब कब था? नहीं आज था सर, 19 को मेरा, 21 को सर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, आज 21 को था ना? हाँ 21 को था सर। आपकी थोड़ी आवाज कट रही है। अच्छा सर, तो सर जो है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे अपने भाइयों के साथ? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रेड टेस्ट है, ये बोलने के लिए ट्रेड टेस्ट है सर। आप बिल्कुल सर 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 बिल्कुल आप शुरुआत से बताइए किस प्रकार से क्या क्या हुआ, आपसे क्या क्या करवाया गया आज? सर हमारी एंट्री हुई 5:30 बजे। कितने बजे? 5:30 बजे। आप कहाँ के रहने वाले हो सर? सर मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड से। तो सर देहरादून में मतलब कैसे क्या पहुँचे सर, मतलब कोई साधन बताइए, मतलब कैसे? ट्रेन से आया देहरादून से और सीधा क्या कहें सराय रोहिला स्टेशन उतरा। हाँ सराय रोहिला से, फिर सराय रोहिला से मैं पैदल गया और करीबन 300 या 500 मीटर के बीच है। हाँ तो चलो ठीक है, 10 मिनट लगा हमें पैदल चलने में, 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। हम पहुंचे वहां पे 4:30 बजे। हाँ सर, 6 बटालियन और के पास दया बस्ती। हाँ हाँ हाँ। फिर वहां पे कुछ स्टाफ थे, उनके आरपीएफ वाले बाहर, उन्होंने बाहर बिठाया, बाहर ही रहो। हाँ। फिर 5:30 बजे एंट्री हुई स्टार्ट, तो 6 बजे करीबन हमारी भी एंट्री हो गई। हाँ आज सर 21 तारीख को ना सर, क्योंकि सर बार बार कंफ्यूजन ना हो सर। जी सर, आज की बात है ना, 21 तारीख। हाँ सर 21 तारीख की बात है, आज की बात है। अभी आप स्टेशन पर ही हो ना? अभी मैं रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली पहुंच चुका हूँ। हाँ, मेरी यहाँ से ट्रेन है। हाँ सर आप बताइएगा सर। जी सर, जैसे ही अंदर गए और उसके बाद बाहर बिठाए, फिर वहां से सर जो बेंच बनाए, 20-20 के बेंच बनाए, 20-20 बच्चों के बेच बनाए। हाँ सर, फिर अंदर बिठाया, फिर कहा कि आपका जो सिकंदराबाद में जो आपका रनिंग हुआ, उसका बेंच नंबर, यानी कि जो बेंच होता है 1, 2, 3, 4, वो नंबर लिखो हाथ में, और किस तारीख को था वो लिखो हाथ में। सर आपको ध्यान था ये सब? सर नहीं तो आपको आज दिक्कत होगी, ये बताया उन्होंने। हाँ तो आपको मतलब याद था ये सब कुछ? मेरा 10 को था, पिछले महीने 10 को मेरा फिजिकल था सिकंदराबाद में, मेरे को पता था। अच्छा सर, और सर बच्चों, जिन बच्चों को पता नहीं था उनका क्या? सभी को पता था, ऐसे ही पता कर लिया था इधर उधर से, फोन वोन करके घर पे।
फोन फोन करके पता सभी ने कर लिया था। मैंने हाँ सोचा मेरे को शायद पता नहीं है, मैं ही गलत दिख रहा हूँ, लेकिन सभी ने लिख दिया था, पता कर लिया था सभी ने। फिर हाँ उसके बाद वहाँ बायोमेट्रिक हुआ, हाँ वहां से 20 का बैच बना के बायोमेट्रिक हुआ। फिर सर ऊपर सर सीढ़ी में, सर आपने जो है मेरा एक्सपीरियंस वीडियो देख रखा था क्या? हाँ मैंने कल परसों देखा, 2-4 दिन से मैं कंटिन्यू देख रहा था। तो सर आपको जो है कुछ हेल्प मिली उससे सर? अरे हेल्प तो सर मिली, पर लेकिन ये रे टेस्ट कुछ मेरे समझ में नहीं आया। आप तो बताइए सर क्या क्या हुआ पहले, उसके बाद सर अपन और अपनी बात करते हैं सर। उसके बाद हमें ऊपर ले जाए गए सीढ़ी में, और सेकंड फ्लोर पे हमारा वहां चल रहा था, कुछ सीनियर थे, कमांडेंट वगैरह, सीईओ थे, 4 लोग बैठे हुए थे वहां पे। तो हाँ सर हमें जैसे ही पहले 10 बच्चों को अंदर ले जाया, फिर 10 को अंदर ले जाया वहां सीढ़ी सीढ़ी से ना, जैसे ऊपर ले जाए सीढ़ी में अंदर 10 बच्चों को ले जाया। हाँ उन्हें 2 मिनट में छोड़ दिया। उन्होंने जब बाहर आए तो हमने पूछा क्या पूछा, तो कुछ नहीं कि नाम पूछा और भेज दिए। और हम जैसे ही अंदर गए, हमसे भी नाम पूछा कि कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्या कर रहे हो, कहाँ जॉब करते हो। तो सभी ने कुछ कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा। उसके हाँ बाद झाड़ू लगाया, हाँ सबसे झाड़ू लगाया, सभी ने झाड़ू ठीक लगाया, जैसे झाड़ू लगाया। उसके बाद एक का नाम अकबर था, जैसे नाम पूछते गए ना सबका, सर हाँ एक का नाम अकबर था, तो उसने उसी से क्वेश्चन पूछा कि अकबर का जन्म कब हुआ, हाँ उसको पता नहीं था। हाँ और फिर मेरे को पूछा, मतलब सभी को पूछा, किसी को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था, मैंने गलत बोल दिया, जो मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने गलत बोल दिया। लेकिन मृत्यु मैंने सही बता दी, और कैसे मृत्यु हुई मैंने सही बता दी। फिर लेकिन सर ये जीएस के पूछा क्वेश्चन क्यों कि पूछ रहे हैं सर? वही, तो सर समझ नहीं आया, मेरा अभी तक दिमाग हैंग है कि टेस्ट में मैंने घर पे सारे केमिकल ला के, सारे केमिकल का जितने भी स्वीपर के होते हैं इंस्ट्रूमेंट, सबको प्रयोग किया था घर पे। सर मैंने 18 से 2 हजार रुपए का खर्च किया था घर पे, सारे अच्छा इंस्ट्रूमेंट ला के, कि ऐसे ऐसे प्रयोग क्या होता है, कैसा होता है। सर मेरे को अगर कुछ ही पूछे ना इंस्ट्रूमेंट से कि फिनॉइल कैसे बनता है, वो भी मैं बता दूंगा, ऐसे वो क्या आरपी कैसे बनता है, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मेरे से ये पूछा, कुछ भी किसी से नहीं पूछा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सभी किसी से ये से कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। जीएस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब सीधा सीधा ये तो। जीएस का भी वो ऐसे आ गया ना, उनका नाम था, उसी उसी से टॉपिक उठ गया, नहीं तो ऐसे किसी से पूछ नहीं रहे। अब बस मैंने सोचा मन का मेरा तो हो जाएगा, क्या कि मैंने ही ज्यादातर बोला है, मन का मेरा हो जाएगा। जैसे ही हमें बाहर ले जाया, जो 20 का बैच था, वो 10 तो पहले आ चुके थे, 10 हाँ हम बाद में आए। उसके बाद 10-15 मिनट बाद रिजल्ट आ गया। जब जैसे ही आए सर, जो रिजल्ट लेके आए वो भी कोई SI लेवल के थे, 1 स्टार था। उन्होंने जैसे ही नीचे आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे नाम है, अब कि कैसे ये स्वीपर की जॉब करेंगे। फिर उन्होंने जो नाम बोले, वो मेरे मेरे तो क्या, जो हमारे 20 का बेंच था, उनके समझ में नहीं आया इनका सिलेक्शन कैसे किया गया। अच्छा मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ सर, ये ट्रेड टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। क्यों सर इसलिए ऐसा मैंने क्या आपको होगा कॉल किया मतलब? कि इस वीडियो को ऐसा बनाइए कि जो मंत्री है उनके कानों तक पहुंचे ये वीडियो, मंत्री पीयूष गोयल जी, कि क्या टेस्ट हो रहा है या कि रिश्वतखोर हो रही है। सर मेरे सर को ये नहीं हो रहा है कि मेरा मेरा मैं घर जाके किस में बताऊं, मैं किस में फेल हुआ हूँ। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जितने भी लोग गए वहां पे, वो कैसे कहेंगे हम किस में फेल हुए हैं, कौन सा हमसे काम ऐसा करवाया गया जो हमने गलत किया है, जो हमने सही से स्वीपर का काम सही किया नहीं है। अब सर ये तो बच्चों का सपोर्ट है सर, यदि बच्चे ऐसे वो शेयर करेंगे तो हर जगह पहुंच जाएगी, लेकिन बच्चे ही ऐसे हैं सर वीडियो शेयर ही नहीं करते सर। यार सर अब मैं अपनी बात मैं समझ नहीं पा रहा, मैं कैसे रखूं। मैंने जैसे ही मेरा नाम नहीं आया, मैं वहां पर सबको भगा रहे थे, मैं सबसे लास्ट में आया। मन का सर मुझे सीनियर से बात करनी है, मुझे फेल कैसे कर दिया गया सर, मेरा वो बताइए कि इसमें मैंने गलत का गलत किया है। हाँ मुझे वो तो दीजिए रीजन, और वो गलत वो किया
किसी चीज का वो बहाना तो बताइए कि मैंने ये काम नहीं किया सही से, ताकि मैं और लोगों को भी या घर पे किसी भी लोगों को बता सकूं कि यार मेरे से ये काम ऐसा हुआ है, मेरे से ये त्रुटि हुई है, इसलिए मेरे को बाहर किया है। ये भी आपका कहना सही मैं है। अपनी बात नहीं मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी की बात कह रहा हूँ सर। जितने भी आज गए 10 सेकंड 15 सेकंड या 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा वहाँ रह रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं और क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं और भेज दे रहे हैं, और समझ में एक नहीं आ रहा है। 20 में से 2 या 2 2 बच्चों से ज्यादा सिलेक्शन नहीं किया है। जो पहला बेंच था 20 का, उसमें से 3 निकाले हैं, हमारा बेंच था 7वां, वहां तक हमने बच्चे जो गिने, मैंने खुद गिने, हर बेंच से 2 2 लड़के निकाल रहे हैं। अब वो किस तरह निकाल रहे हैं, अपने ही क्षेत्र के निकाल रहे हैं, क्योंकि वो जो अपने साउथ साइड के वो नाम पूछ के उन्हीं का कर रहे हैं सर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि रीजन तो होना चाहिए ना सर कि मैंने क्या गलत काम किया है, क्या मेरे से गलती हुई है, किसने मुझे बाहर किया है। हाँ ये भी आपका कहना सही है सर। आज समझ में ही नहीं आया, फिर क्या करेंगे आप। वही तो सर, मैं अभी तक पता नहीं, इसी मेरे दिमाग में यही घूम रहा है कि क्या क्या किया ये। मैं बाहर से भी, मेरे को जब मैं बाहर आ रहा था तो मैं सबसे लास्ट में आया, मेरे को जो कांस्टेबल थे वहां पे तो उन्होंने कहा कि जा जा जा, उन्होंने मेरे को धक्के मार के, धक्का तो नहीं कहूंगा पर अपने साथ लाया कि चलो चलो अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सब निकल गए थे, लेकिन मेरे को, मैं सबसे लास्ट में आया, मन का सर मुझे बात करने दो, तो मेरे को सीनियर से भी बात नहीं करनी थी। जो वहां पे 4 जो ले रहे थे ट्रेड टेस्ट, 4 लोग ले रहे थे, हाँ मन का मुझे वहां भी भेजिए उनके पास, मुझे वहां जाना है, तो मुझे उनसे बात करनी है कि सर मुझे बाहर किस में किया गया है, सर मुझसे कुछ केमिकल, मुझसे कुछ भी करवाइए, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं मानता हूँ मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इसमें आपने बाहर किया है, अभी तो यही पता नहीं है मानो बाहर सर क्यों कर आपने दिया। किसी पर किस प्रकार का कुछ काम करवाया है, सीधा मतलब बाहर कर दिया। बाहर कर दिया है, मुझे ही नहीं सर सबको बाहर कर दिया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे केमिकल चाहे कोई भी पूछता है कि कैसे बनता है, ये भी मैं बता देता कि कौन इसमें हार्पिक में क्या डाला होता है, फिनोइल में क्या डाला होता है और कैसे बनता है। ये भी आपका कहना सही है समझ में सर। नहीं आया सर। बहुत लोगों की यही गाथा है, अब इसके लिए कुछ तो करना होगा। बस बंदों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो बंदों के कान में बात तो पहुंचेगी कम से कम। जी सर मैं यही कहूंगा, जिनका कल है बस भगवान के भरोसे रहिए। मैं तो ये चाहता कि उनका यही चाहता कि सब, लेकिन 20 में से जो होगा 1 2 से ज्यादा गारंटी किसी का हुआ, गारंटी कह रहा हूँ सर, नहीं हो पाएगा 20 से ज्यादा, नहीं कर रहे हैं 20 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 20 में से, उनको 2 घंटे लेने वो भी हैं। पता नहीं कैसे कर रहे हैं, पता नहीं शक्ल देख के कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया सर। ये भी आपका कहना सही है, समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ अब क्या होगा। मैंने इतना वीडियो दिखा, जितना भी स्वीपर की यूट्यूब में वीडियो है, कम से कम 25 से 30 वीडियो देख चुका हूँ सर मैं, हाँ और दो दो बार ऐसी, दो दो तीन तीन बार ऐसी ऐसी वीडियो देख चुका हूँ, जो रिपीट कर चुका हूँ कि शायद ये गलत ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सर ऐसा हो रहा है, अब मेरे तो कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। पूछता तो आप उसमें बता पाते, या पूछा ही नहीं है तो आपका क्या कर सकते हो इसमें। वही तो सर, अगर पूछते कुछ तो मैं मानता, चलो मेरे से ये बोला नहीं गया, या मैं डर डर गया, या मैं कुछ मुझसे बोला नहीं गया, तो सब लोग गवाह थे, चलो यार इससे ये गलती हुई, सब लोग बता देते, लेकिन सब लोग ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो सर अब सभी लोगों को जो है तैयार होके ही जाना है, और कुछ क्या कह सकते हैं। अब क्या, भगवान के भरोसे जो भी जाए, बस सर तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता किसका होना है किसका नहीं होना है। हाँ ये भी आपका कहना सही है सर। अगर वो किसी का क्या हाँ, होना है। हमारे हमारे जो हमारे उसमें से 20 में से 2 बंदे निकाले गए, उनका कुछ ऐसा हुआ कि उनसे नाम पूछा, बस सब नाम तो सभी से पूछा, लेकिन उनका किस तरह किया गया, क्या एक्सपीरियंस था उनपे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे भी लोग थे जिनका 2 2 साल 5 5 साल कंटिन्यू इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अगर कर देते तब भी चलो ठीक थे, ठीक है, इन्होंने इनका एक्सपीरियंस है तब हम मानते,
किसी ने 5 साल का बताया, किसी ने 7 साल का बताया। दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने 5 साल का बताया, एक ने 7 साल का बताया। क्या उन्हीं में से किसी का कर दे तब भी हम संतुष्ट थे, चलो इनका एक्सपीरियंस है, इस आधार पर इनका किया गया। अब जो दो बंदे किए गए उनका ना कोई एक्सपीरियंस था। अब क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है सर, तो बहुत बंदों का रोना हो रहा है सर। जो है आप कुछ अपने बंदों से कुछ कहना चाहोगे सर, कुछ मतलब स्पेशल उनको हिम्मत दो सर। हिम्मत कैसे देनी है, मैं तो यही कहता हूँ कि जितना भी कोई वीडियो देखा है, चाहे किसी को कितना ही नॉलेज हो, वहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर नहीं कर सकता। अब जिनका होना है वो एक या दो 20 में से उनका फिक्स है, उनका होना ही होना है। अब पता नहीं किस आधार पर वो करते हैं, बीस समझ में नहीं आ रहा है क्या है? मतलब क्या आप वो पूछेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ जी सर, पूछेंगे कुछ जो ट्रेड है उससे कुछ भी पूछेंगे नहीं, बस सीधा 10 मिनट नाम, 10 सेकंड नाम पूछा और कहाँ से हो, बस ये पूछ के भगा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? वही तो सर, समझ नहीं आया कि ट्रेड टेस्ट हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, बस सर टाइम पास हो रहा है। सर आप अपने भाइयों से कुछ कहना चाहते हो क्या सर? भाइयों से यही कहूंगा कि आप जो है चाहते हैं कि मेरा हो, तो इसमें भगवान के भरोसे ही रहें, बस जितना आपने किया है ट्रेड टेस्ट में, जितना आपको नॉलेज है उससे शायद ही नीचे गए। सर समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें सर? वही तो सर, अब बताइए सर क्या कर सकते हैं इसके लिए, अपन कोई कुछ करें, क्या तैयारी कर सकते हैं? आप तो हमें सजेस्ट कीजिए, जो हम कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। मैं तो सर सीनियर से बात करना चाह रहा था कि मेरा मुझे बात करवाई, मैंने दो तीन सरों से बात की वहां पे, लेकिन मेरा किसी ने सुनी नहीं। कि कह रहे थे उस टाइम क्यों नहीं बताया जिस टाइम तुम्हारा वो था, उनका सर उस टाइम क्या पता था मुझे कि हमें बाहर किया गया है, क्यों बाहर किया गया है। हमने सोचा सभी को निकाल देंगे। हाँ ये भी आपको कहना सही है, उस समय आपको पता ही था, पता ऐसा तो नहीं था कि हमें बाहर कर देंगे, नहीं तो मैं उसी टाइम बोलता सर ये ट्रेड टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। ये भी आपको कहना सही है जी सर। और सर आप कुछ बोलना चाहोगे? सर क्या बोले, अब हमारा तो हुआ नहीं, आप जो जिन लोगों का है वो अपना बस भगवान के भरोसे रहिए और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने जो करना है एक या दो वो आंख बंद करके कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन बंदा इसके लिए सेटिस्फाइड है, कौन सा बंदा सक्सेसफुल है इसके लिए, वो देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा जी सर, तो आपको ये 100% श्योर है सर। सर एक ही काम करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है सीधा सेंटर से हमें। मैं सर यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा और सभी को, अधिकारी को, सभी को पता चले कि ये टेस्ट किस तरह हो रहा है, ये गलत काम कर रहे हैं, तो इस पे सुधार किया जाए, बस यही चाहते हैं। क्योंकि हम इतने दूर से आए, हमारा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत बंदे हैं, इनका तो हो जाएगा। जो बंदे बचे हैं, जो नहीं, ये चाहता हूँ जो बंदे इसके लिए सफल है, जो इसका जो कर सकते हैं, जिन्होंने सब कुछ मेहनत की है, जिन्होंने 7-8 साल हर सेक्टर में काम किया है स्वीपर का, उनका तो हो है सर कम से कम, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो उनका मन करे वो करे, नहीं यही चाहता। ओके सर, सर इसको ज्यादा से ज्यादा आप भी शेयर करना सर, मैं भी इसको शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत बंदों तक ये बात तो पहुंचना चाहिए। ओके सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है अपना कीमती समय दिया अपने भाई। जी सर, धन्यवाद।